इंडिया पॉपुलेशन वाइज एक बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिनमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर पावर बटी हुई हैं, दोनों गवर्नमेंट्स उसके अकॉर्डिंग लॉज बनाती हैं और उसको स्टेट्स में इंप्लीमेंट करती हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स लाइक रेलवेज, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, रोड सेफ्टी रूल्स एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड लॉज बनाती हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ लोकल इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो सरकार तक पहुँच नहीं पाते हैं। ये इश्यूज़ हर एरिया के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कहीं पे वाटर सप्लाई की दिक्कत हो, कहीं पे ड्रेनेज सीवर की दिक्कत हो, तो कहीं लोकल रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स या फिर साफ सफाई की प्रॉब्लम हो। तो इन टाइप के लोकल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए होती है लोकल गवर्नमेंट। वैसे आप में से कितने लोग अपने एरिया की लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं? तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट का मेन मोटिव है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर को अलग अलग लोगों में या ऑर्गेनाइजेशंस में बांटना, यानी जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है आगे लोकल गवर्नमेंट्स में डेलीगेट करना। एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें लोग डायरेक्टली खुद ही अपने लिए पॉलिसीज यानी नीतियाँ बनाते हैं। लोकल गवर्नमेंट मेनली दो टाइप की होती हैं, पंचायती राज जो रूरल यानी ग्रामीण इलाकों में होती है, और म्युनिसिपैलिटीज़ जो कि डेवलपिंग डेवलप्ड अर्बन यानी शहरी इलाकों में होता है। दोनों का ही काम लोकल गवर्नमेंट के रूप में होता है। मेनली इसमें दो काम आते हैं, एक तो यही कि लोकल इश्यूज जैसे बिजली, पानी, रोड, साफ सफाई एसेट्रा से रिलेटेड इशू पे समाधान निकालना, और दूसरा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को लोकल एरियाज में इंप्लीमेंट करना। इसलिए लोकल गवर्नमेंट को ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं, यानी लोगों की इमीडिएट जरूरतों पे एक्शन लेती है। लोकल गवर्नमेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स में स्केड्यूल नंबर 7, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दी हुई हैं, उसमें से स्टेट लिस्ट के अंडर एंट्री नंबर 5 में मेंशन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड नियम कानून बना सकती हैं। इसलिए पहले कुछ स्टेट्स लोकल गवर्नमेंट बनाते थे और कुछ नहीं, क्योंकि उनकी मर्जी होती थी। पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में अच्छे से समझने के लिए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं पंचायती राज की। पंचायत्स को सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में मेंशन किया गया था, लेकिन उसमें जस्ट मेंशन ही किया गया था, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर था लोकल गवर्नमेंट बनाओ या ना बनाओ। लेकिन 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अब हर स्टेट का पंचायत बनाना कंपलसरी हो गया। हम में से बहुत से लोगों ने पंचायत वर्ड कई बार सुना होगा, लेकिन हम में से बहुत कम को ये पता है कि ये काम कैसे करती है। तो बात करते हैं पंचायत्स के स्ट्रक्चर के बारे में। हर एक विलेज यानी गांव की अलग पंचायत होती है। कुछ अगर बहुत ज़्यादा छोटे गांव हैं तो उनकी मिला के एक पंचायत होती है। पंचायत्स में दो पार्ट आते हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले लेजिस्लेटिव में आती है ग्राम सभा। ग्राम सभा बेसिकली एक पर्टिकुलर गाँव के 18 के एज के ऊपर वाले सारे लोगों के ग्रुप को कहा जाता है। मतलब इसमें वो सारे ही लोग आ जाते हैं जो वोट कर सकते हैं, यानी सारे लोग जो वोट कर सकते हैं एक गांव में वो उस गांव की ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आते हैं ग्राम पंचायत जो गांव में डेवलपमेंट का काम करते हैं एंड अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। ग्राम पंचायत के मेंबर्स में आते हैं बहुत सारे पंच और उनका एक हेड जिसे कहते हैं सरपंच। हर विलेज की पंचायत में विलेज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं पंच, जिसे डायरेक्टली उस वार्ड के लोगों द्वारा वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। हर विलेज में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वार्ड्स की संख्या कम या ज़्यादा होती है, इसलिए एक ग्राम पंचायत में कितने पंच होंगे इसका काउंट फिक्स नहीं होता। एक गांव में कितने पंच होंगे वो डिपेंड करता है उस गांव की पॉपुलेशन पे। ये जनरली 5 से 20 के बीच में होते हैं। ग्राम पंचायत का हेड होता है सरपंच। इसे विलेज के सारे वार्ड्स के सारे लोगों द्वारा मिलकर इलेक्ट किया जाता है, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि इसे ग्राम सभा के सारे मेंबर्स के द्वारा वोट करके इलेक्ट किया जाता है। बिकॉज ग्राम सभा विलेज के सारे एलिजिबल वोटर्स का ही ग्रुप है, इसलिए सरपंच पूरे विलेज यानी गांव के हेड भी कहलाते हैं। इसके अलावा हर एक ग्राम पंचायत में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जाता है, जिसे पंचायत का सेक्रेटरी कहते हैं, जो ग्राम सभा में भी प्रेजेंट रहता है। इसका काम होता है पंचायत की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना और उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना। ये होता है स्ट्रक्चर पंचायत का एक विलेज के लेवल पे, इसलिए इसे नाम से भी ग्राम पंचायत कहा जाता है। इसके आगे भी इसके लेवल्स होते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ विलेज के लेवल पे पंचायत की वर्किंग के बारे में बात करते हैं। वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत। साल में जनरली 4 बार ग्राम सभा के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग पंचायत के हेड सरपंच और पंचायत के मेंबर्स पंच की मीटिंग होती है, जिसे ग्राम सभा की मीटिंग या जनरली डायरेक्ट ग्राम सभा भी बोल देते हैं।
गांव में क्या क्या दिक्कतें हैं रोड पानी बिजली से रिलेटेड, और उनके लिए क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, और क्या क्या काम विलेज में होगा, इसका फैसला ग्राम सभा में लिया जाता है। उसके अलावा भी विलेज के किसी पर्सन का कोई इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को गवर्नमेंट की किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या किसी बेनिफिशियल लिस्ट में जिसमें उसका नाम होना चाहिए उसमें उसका नाम नहीं है, तो इन सब इश्यूज से रिलेटेड भी वो अपनी बात ग्राम सभा में रख सकता है, ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। गांव का हर एक वोटर उसके गांव के लोकल गवर्नमेंट का मेंबर होता है, तो इसलिए हर एक को अपनी बात रखने का राइट होता है। इसीलिए इस टाइप की गवर्नमेंट को पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसलिए पंचायती राज को डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अब लोग खुद के लिए फैसला ले सकते हैं, तो क्या वो किसी भी चीज़ पे फैसला इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। पंचायत किन किन सब्जेक्ट्स पे डिसीजन ले सकती है वो मेंशन है शेड्यूल नंबर 11 में, जिसमें एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, माइनर इरीगेशन, एनिमल हस्बेंड्री एटसेट्रा जैसे टोटल 29 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा पंचायत और किसी सब्जेक्ट पे डिसीजन नहीं ले सकती। अब एक बार जब ग्राम सभा बाय लॉ डिसीजन ले लेती है, तो उन कामों को इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी होती है ग्राम पंचायत की, यानी उसके मेंबर्स सरपंच और पंच की। उन काम को पूरा करने के लिए सरपंच अकॉर्डिंगली पंच की कमिटीज बनाकर काम बांट देते हैं, और कभी कभार ग्राम सभा के मेंबर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सरपंच और पंच को कुछ बेसिक पावर्स भी दी जाती हैं, जो सिर्फ उनके गांव तक ही सीमित रहती हैं। इसके ऊपर के लेवल के कामों के लिए पंचायत सिस्टम में दो और लेवल भी बनाए गए हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद। कई सारे विलेजेस को मिला के एक ब्लॉक बनता है। ब्लॉक लेवल की पंचायत को कहते हैं पंचायत समिति। इसे और भी नामों से बुलाया जाता है, जैसे ब्लॉक पंचायत, जनपद पंचायत एटसेट्रा। इसके मेंबर्स में आते हैं पर्टिकुलर ब्लॉक के अंडर आने वाले विलेजेस के सरपंच, इसके अलावा BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एसोसिएट मेंबर जैसे फार्मर रिप्रेजेंटेटिव, कॉर्पोरेट सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एटसेट्रा। पंचायत समिति के मेंबर्स आपस में ही वोटिंग करके सिलेक्ट करते हैं एक हेड, जिसे कहते हैं ब्लॉक प्रमुख। पंचायती समिति का काम होता है गवर्नमेंट की स्कीम्स, डेवलपमेंट के कामों को ब्लॉक लेवल पर इंप्लीमेंट करना। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम होते हैं वो जिला परिषद देखती है। जिला परिषद को भी अलग अलग नाम से, जैसे जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत बुलाया जाता है। इसके मेंबर्स होते हैं जिले के अंडर आने वाले ब्लॉक्स, यानी पंचायत समिति के हेड्स ब्लॉक प्रमुख। इसके अलावा उस एरिया के स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स यानी MLAs और उस एरिया के पार्लियामेंट के मेंबर्स भी जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। और जिला परिषद का हेड या CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक नॉन इलेक्टेड पर्सन होता है, जो जनरली एक IAS ऑफिसर होता है या स्टेट पब्लिक सर्विस ऑफिसर होता है। कुछ स्टेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। जिला परिषद काम क्या करती है? जिला परिषद बनाती है DPCs, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज। जिला परिषद का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पंचायत से कनेक्ट करना। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती हैं लोगों के लिए, उन्हें लागू करने के लिए प्लानिंग करना। ये तो हो गया PCI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर, जिसमें 3 tiers होते हैं, जिला लेवल जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, विलेज लेवल ग्राम सभा। अब स्टेट वाइज हम ये लिस्ट देख सकते हैं कि इन तीनों लेवल्स पर स्टेट में कितने मेंबर्स होते हैं। जिस टाइप से हमने अभी रूरल एरियाज यानी ग्रामीण इलाकों की लोकल गवर्नमेंट PCI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को समझा, इसी प्रकार से अर्बन एरियाज यानी शहरी इलाकों में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उन्हें कहते हैं म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद अब हर स्टेट का म्यूनसिपैलिटीज बनाना कंपलसरी हो गया। म्यूनसिपैलिटीज बेसिकली 3 types की होती हैं। नगर पंचायत, उन एरियाज के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं, गांव से शहर की ट्रांजिशन। म्यूनसिपल काउंसिल, ये होते हैं छोटे शहरों के लिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बड़े शहरों के लिए जैसे मुंबई, दिल्ली एटसेट्रा। म्यूनसिपैलिटीज के नामों में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, बिकॉज एक ही चीज़ को कई अलग अलग नामों से बुलाया जाता है और सारे सिमिलर से होते हैं। जैसे नगर पंचायत को सिटी काउंसिल और नगर परिषद भी कहा जाता है, इसी टाइप से म्यूनसिपल काउंसिल को नगर पालिका या नगर पालिका परिषद भी कहा जाता है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को महानगर पालिका या नगर निगम के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपैलिटीज 2 parts में डिवाइडेड होती हैं, लेजिस्लेटिव पार्ट और एग्जीक्यूटिव पार्ट। लेजिस्लेटिव पार्ट्स में आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स काउंसिलर्स यानी पार्षद और उनके हेड, जिसे कहते हैं मेयर। इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जिन्हें स्टेट स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे म्यूनसिपैलिटी में सीट दे सकते हैं, लेकिन ये मेंबर्स सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में वोट देने का अधिकार इन्हें नहीं होता है। इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए सिटी को कई सारे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहते हैं। हर वार्ड में उस वार्ड के एलिजिबल वोटर्स वोटिंग के थ्रू वार्ड काउंसिलर को इलेक्ट करते हैं,
जिसे हम पार्षद भी कहते हैं। डिफरेंट वार्ड काउंसिलर को मिला के बनती है एक वार्ड कमेटी। हर वार्ड काउंसिलर कमेटी में अपने वार्ड यानी एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वार्ड्स कमेटी को मिला के बनती है म्यूनसिपैलिटी। अब म्यूनसिपैलिटी के मेंबर्स यानी काउंसिलर मिलके अपना एक हेड इलेक्ट करते हैं जिसे कहते हैं मेयर। मेयर सिटी के फर्स्ट सिटीजन भी कहलाते हैं। जनरली मेयर एक ऑनररी पोस्ट होती है लेकिन कुछ स्टेट्स में उन्हें एग्जीक्यूटिव पावर्स भी दी गई हैं। दूसरा पार्ट आता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें आते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जैसे म्यूनसिपल ऑफिसर्स। म्यूनसिपल कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जनरली एक बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं। बाकी म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत में ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हो सकते हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इलेक्ट किया जाता है। वर्किंग ऑफ म्यूनसिपैलिटी। लेजिस्लेटिव पार्ट यानी वार्ड काउंसिलर की मेयर की प्रेजेंस में मीटिंग होती है। एक बजट बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग मनी स्पेंड किया जाता है। काउंसिलर्स कमेटी में डिसाइड करते हैं कि सिटी में क्या क्या काम किए जाने हैं। लोग अपने अपने एरिया के इश्यूज और प्रॉब्लम्स अपने वार्ड काउंसिलर यानी पार्षद के सामने रख सकते हैं। फिर वो वार्ड काउंसिलर काउंसिलर कमिटीज में अपने अपने वार्ड की डिमांड को रखते हैं। फिर सारे काउंसिलर डिस्कशन करके वोटिंग के थ्रू फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। म्यूनसिपैलिटी जिन जिन सब्जेक्ट्स पे डिसीजन ले सकते हैं वो शेड्यूल नंबर 12 में मेंशन है, जिनमें आते हैं रोड, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन एटसेट्रा, बेसिक नीड्स के ऊपर 18 टॉपिक्स। काउंसिलर्स कमिटीज अब जो डिसीजन ले लेते हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव्स का यानी इलेक्शन कमिश्नर्स का। इलेक्शन कमिश्नर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करके और अपने अंडर आने वाले स्टाफ का यूज करके इन डिसीजंस पे एक्शन लेते हैं और उन्हें लागू करते हैं। काउंसिलर्स यानी पार्षद की एक और जिम्मेदारी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के एक्शंस पर नजर रखना कि जो डिसीजन कमेटी में लिए गए थे उन पे ठीक ठाक से काम हो रहा है या नहीं, और अगर उन्हें काम सही नहीं लगता है तो इसकी कंप्लेन वो इलेक्शन कमिश्नर को कर सकते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर भी अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो वो उस बात को म्यूनसिपैलिटी मीटिंग में उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंस, इलेक्शन, रिजर्वेशन और टेन्योर की। इन लोकल गवर्नमेंट्स को, वो चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो या म्यूनसिपैलिटीज, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा ये डिसाइड करती है फाइनेंस कमीशन। पीसीआई का मेन सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स, और म्यूनसिपैलिटीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है प्रॉपर्टी टैक्सेस। दोनों लोकल गवर्नमेंट्स में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। दोनों ही लोकल गवर्नमेंट्स में जितनी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्टेड पोस्ट होती हैं जैसे पंच, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद एटसेट्रा, सब में वोमेन के लिए 33% यानी 1/3 ऑफ ऑल सीट्स रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा SC/ST रिजर्वेशन भी दिया गया है। अब बात करते हैं टेन्योर की। दोनों ही लोकल गवर्नमेंट्स का टेन्योर मैक्सिमम 5 years का होता है। अगर टाइम से पहले सपोज गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल 2 साल के बाद फॉर एनी रीजन गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, तो 6 months के अंदर अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन दोबारा इलेक्शन कराती है। और ऐसे इलेक्टेड गवर्नमेंट का टेन्योर पूरे 5 साल नहीं होता बल्कि पिछली गवर्नमेंट के बचे हुए टेन्योर यानी 5-2 यानी 3 साल का होता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट। हमने अभी वीडियो में देखा कि लोकल लेवल पे काम करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है, लेकिन हम जानते हैं हमें अपने अपने एरियाज में फिर भी बहुत सारे बेसिक लोकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो रोड से रिलेटेड हों या पानी या साफ सफाई से रिलेटेड। ऐसा क्यों होता है? मेन रीज़न है फाइनेंस। हर ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए पैसे लगते हैं, उसी तरीके से इन लोकल गवर्नमेंट्स को भी चाहिए, और इनका फंड आता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कई बार बहुत कम आता है। म्यूनसिपैलिटीज़ में प्रॉपर्टी टैक्स वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम लोग ही प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, इसलिए अगर लोकल गवर्नमेंट्स को सफिशियंट फंड नहीं मिलता तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाती। इसके अलावा भी और रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोकल गवर्नमेंट्स उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।